देखिए ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मार्केट में जो चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस दिख रही होती है वैसे मार्केट कभी भी मूव नहीं करता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ और प्राइस एक्शन के बेसिस पे इसको यूज़ कर सकते हैं आप आगे। बार बार मार्केट ऐसे काम करेगा और आपको बार बार ऐसे सिचुएशन में कैसे ट्रेड लेना है उसका आइडिया रहेगा। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, एक एरिया में आके कंसोलिडेट करने लगता है। अगर ये प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, तो ये मत सोचिएगा कि कौन से टाइम फ्रेम की बात हो रही है। ये प्राइस एक्शन मतलब बायर्स और सेलर्स के डायनेमिक्स की बात हो रही है। मान लीजिए मार्केट तेजी से ऊपर आता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बायर्स आर सुप्रीम, बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। मार्केट एक एरिया में आके रुक जाता है, ये मान लीजिए ऑल टाइम हाई का एरिया है या बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है। उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक आउट करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो एज ए इंट्राडे ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर आप होल्ड करके बैठे रहते हैं कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हमें एक अच्छी इंट्राडे लेवल में ट्रेड मिल सकता है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन, यही माइंडसेट सभी का होता है। जितने दिन मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट करता है, उतने लोगों की आंख इस एरिया में आके चिपक जाती है। बात को समझिएगा, 3 दिन कंसोलिडेट करेगा तो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, 2 दिन कंसोलिडेट करेगा बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जितनी ज्यादा देर तक मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है उतने ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स, नए बिगनर ट्रेडर्स और बहुत सारे लोग जिनको कोई आइडिया नहीं है, उन लोगों को भी यह बात पता लगने लगती है कि मार्केट एक एरिया में फंस चुका है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास फंसा हुआ है या ऑल टाइम हाई के पास फंसा हुआ है, तो मार्केट कहीं ना कहीं तेजी से ऊपर चला जाएगा। और बहुत सारे जिनको कोई भी जानकारी नहीं है, बहुत सारे नए ट्रेडर्स जिनको कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, वो भी अपनी पोजीशन बना के रख लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट करता यह है, मार्केट प्राइस एक्शन ऐसा बनाता है जहां पे उसे जो करना है, अगर मार्केट को इस सिचुएशन में ऊपर जाना भी होता है तो मार्केट ऊपर जाता भी है, लेकिन ऐसे तरीके से, ऐसे पाथ लेके, ऐसे वे से जाता है जहां पे आप जैसे नए बिगनर ट्रेडर्स, बहुत सारे लोग जो बस तुक्का लगा रहे हैं, वो लोग यहां पैसा ना बना पाए और गलती से छोटा पैसा या लॉस लेके ही निकले। अब देखिए दो तरीके से मार्केट ऐसी सिचुएशन में मूव करता है, मैं आपको बता देता हूं। आगे ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी और अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी में कुछ ऐसे ही चार्ट बना हुआ है, नीचे से ऊपर मार्केट आया, बहुत देर तक कंसोलिडेट कर गया, पिछले हफ्ते पूरे कंसोलिडेशन मोड में ही रहा है। इससे हमें यह समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों को पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है या कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन कर देगा। बहुत सारे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो होल्ड करके पोजीशन रखे हुए हैं, उनका स्टॉप लॉस मार्केट कैसे लग सकता है और आगे प्राइस एक्शन क्या बन सकता है उसके बेसिस पे समझ लीजिए। देखिए दो तरीके से मार्केट ऐसी सिचुएशन में काम करता है। पहली सिचुएशन यह है कि आप सोच रहे हैं मार्केट जब भी खुलेगा, मान लीजिए आप मंडे को तो छुट्टी है लेकिन ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा तो कैसे मूव करेगा, यही खुलेगा और ब्रेकआउट कर जाएगा। कर सकता है लेकिन मार्केट ऐसा जल्दी करता नहीं है। क्या करेगा मार्केट, मार्केट करेगा अगर उसे ब्रेकआउट करना भी है ना, बहुत ऊपर बहुत बड़ा गैप अप खोल देगा, उसे जो इंट्राडे लेवल में एक मूव देना था वो मूव मार्केट देगा ही नहीं इंट्राडे लेवल में, बल्कि मार्केट ऊपर खोल देगा। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहां ये सोचेंगे कि मार्केट ब्रेकआउट कर गया है और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन, याद रखिएगा प्राइस एक्शन का कांसेप्ट है, प्राइस एक्शन का कांसेप्ट इसलिए है क्योंकि प्राइस इसी तरीके से मूव करता है कि रिटेल ट्रेडर्स ज्यादा पैसे ना बना पाए। अगर मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेट करके किसी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, बहुत ऊपर खुल जाता है और आप ये सोचते हैं कि मार्केट और तेजी से ऊपर निकल जाएगा, ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का पैसा कैसे जाता है, वो लोग तुरंत ऑप्शन बाई कर लेते हैं। यहां पे मार्केट ऊपर खुला, कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और सोच रहे हैं मार्केट ऊपर चला जाएगा। कॉल ऑप्शन का उस दिन प्रीमियम पूरा मार्केट बैठ के खाता है। कैसे खाता है, मार्केट ना ऊपर जाएगा और बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, पुट ले लो, नीचे की तरफ भी मार्केट नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ भी मार्केट नहीं जाएगा। और उस दिन मार्केट, जिस दिन आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि मार्केट मूव करेगा, उस दिन मार्केट क्या करेगा, साइडवेज हो जाएगा। इवन आफ्टर अ ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या करेगा, अपना टाइम ले लेगा कि आप अगर इंपेशेंट हैं तो अपना पैसा निकाल के दूसरे पेशेंट व्यक्ति के हाथ में दे दीजिए। तो इस तरीके से मार्केट क्या करेगा, ऊपर खुलेगा तो, लेकिन मार्केट कंसोलिडेट कर जाएगा। इस समय की बात भूल जाइए, हमेशा की बात मैं बता रहा हूं। अगर मार्केट एक लेवल पे बहुत टाइम स्पेंड कर दिया है और ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट खुलता है तो जरूरी नहीं ब्रेकआउट के बाद मार्केट तेजी से ऊपर मूव कर जाए। अगर इंट्राडे लेवल में नहीं ओपन हुआ है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं,
नहीं किया है तो मार्केट हो सकता है ऊपर खुले और फिर कंसोलिडेट कर जाए, पूरे दिन आपका पूरा प्रीमियम ऑप्शन बायर का खा जाए, ना नीचे आए ना ऊपर जाए। तो देखिए एक सिचुएशन तो ये हो जाती है कि यहाँ पे इंपेशेंट लोगों का पैसा मार्केट खा जाता है। इसका तरीका ये है कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए ऐसी सिचुएशन में कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है कई दिन से और मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो ऊपर की तरफ अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं तो हाफ क्वांटिटी में ही लीजिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और मोमेंटम आएगा तो सिर्फ एक दिन नहीं आएगा, दो तीन दिन आएगा, तो आगे आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट में तो चांसेस ये बन जाते हैं कि अगर मार्केट को आपको परेशान करना है तो कंसोलिडेट कर जाता है ऐसे दिन, कि बहुत सारे लोग सोच के रखे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, उस दिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। पहला तरीका तो ये हुआ कि आपका लॉस लेगा मार्केट। दूसरा तरीका ये हुआ कि मार्केट को अगर ऊपर जाना भी है तो मार्केट करेगा ये कि ऊपर 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 की तरफ प्राइस एक्शन बनाएगा, जैसा हम देख रहे हैं निफ्टी में अभी ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन धीरे-धीरे करके जा रहा है, लेकिन करेगा मार्केट ये कि इसी लेवल में बार बार आपका स्टॉप लॉस खाएगा। जैसे आज भी देखिए मार्केट नीचे आया लेकिन रुका नहीं, नीचे जाने की कोशिश किया, बहुत सारे लोगों का यहां पे स्टॉप लॉस लगा, वो खा गया। उसी तरीके से बार बार मार्केट क्या करने की कोशिश करेगा, मान लीजिए एक रेंज बन गई है तो रेंज के नीचे जाएगा मार्केट, आपके स्टॉप लॉस खाएगा, सो दैट आप जो होल्ड करके बैठे हुए बहुत सारे लोग उन लोगों का पहले मार्केट स्टॉप लॉस लेगा, उन लोगों को लॉस देगा। आप इंपेशेंट हैं, आपने छोटा स्टॉप लॉस लगाया तो आपका छोटा स्टॉप लॉस मार्केट खाएगा, वहां पे लिक्विडिटी लेगा, वहां बायर्स और एक्चुअल बायर्स अक्यूमुलेट होंगे और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो दो कंसेप्ट हो जाते हैं, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा दिन तक कंसोलिडेट कर जाता है तो चांसेस ये हो जाते हैं कि मार्केट निकलेगा कहीं ना कहीं, और ये बात बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को समझ में आने लगती है कि मार्केट अब निकलने वाला है, मोमेंटम आने वाला है, हम कैसे ट्रेड लें। उस समय प्राइस एक्शन यही बनेगा कि आपका एक या दो दिन मार्केट पूरा पैसा खाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने बताया एक तरीका यह है कि मार्केट ऊपर खुलेगा और ऊपर खुल के कंसोलिडेट कर जाएगा, एक दिन मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाएगा, आप क्या सोचेंगे कि मार्केट बहुत तेजी से जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, मार्केट प्रीमियम खा जाएगा, उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि मार्केट फ्लैट खुलेगा, पहले बार बार नीचे जाके, बार बार जैसे इस हफ्ते एक दो दिन हुआ भी है, बार बार पिछले दिन का लो ब्रेक करता है फिर ऊपर चला जाता है, पिछले दिन का लो ब्रेक करता है ऊपर चला जाता है। उसे पता है, मार्केट के प्राइस एक्शन को पता है कि पिछले दिन के लो के नीचे लिक्विडिटी है, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो यहां पे बायर्स एक्चुअली अक्यूमुलेट होते हैं, इन लोगों का स्टॉप लॉस खा खा के बार बार अक्यूमुलेशन होता है अच्छे लेवल से, बार बार अक्यूमुलेशन होता है अच्छे लेवल से, और जितना अक्यूमुलेट हो चुका है अगर इंट्राडे लेवल में मार्केट निकलेगा तो अच्छा निकलेगा, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट पैसा नहीं देता है, उसके लिए मार्केट करता यही है कि या फिर ओवरनाइट ही बड़ा गैप अप खुल जाएगा और एक दिन आपको परेशान करेगा, थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट कर जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा, सो दैट अगर आपने पैसा लगा रखा है तो उस दिन आप पैसा ना कमा पाएं। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो जाने के पहले मार्केट जानबूझ के पहले आपके स्टॉप लॉसेस खाएगा नीचे के, फिर ही ऊपर निकलने की कोशिश करेगा अगर बड़ा मोमेंटम आना है। आप ध्यान दीजिएगा, आज की बात नहीं है, हमेशा की बात बता रहा हूं, अगर मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आया है तो उसके पहले जाके देखिएगा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्राइस एक्शन उल्टा सा बना हुआ है। उल्टा सा बना हुआ है मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, अचानक से मार्केट नीचे आएगा, एक स्टॉप लॉसेस लेगा लोगों के। हमेशा आप देखेंगे अगर बाद में बड़ा मोमेंटम आया तो हमेशा आप देखेंगे मार्केट नॉर्मल प्राइस एक्शन बना के कभी ऊपर नहीं चढ़ेगा, पहले एक बार मार्केट रिजेक्शन लेगा, नीचे जाएगा, स्टॉप लॉसेस खाएगा और फिर अचानक से तेजी से बढ़ेगा, कभी सीधे सीधे मुंह बना के मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, पहले एक ना एक बार स्टॉप लॉस लेगा तभी ऊपर जाएगा। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट बहुत तेजी से निकल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमें हाफ क्वांटिटी में ही ऊपर की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, आपके प्रीमियम्स जा सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है तो जरूरी नहीं है कि एक फ्लो में निकल जाए, जैसे बार बार मार्केट खुल तो ऊपर आया, देखिए बार बार स्टॉप लॉस खाने आता है, पिछले दिन के लो को बार मार्केट बार बार तोड़ता है, नीचे आया लो को तोड़ा फिर ऊपर गया, पिछले दिन के लो के लगभग आया, पिछले दिन के लो के नीचे आया, स्टॉप लॉसेस लिया फिर ऊपर गया। मार्केट ये कर इसीलिए रहा है क्योंकि उसे चाहिए लिक्विडिटी और बहुत आसानी से रिटेल ट्रेडर को पैसा नहीं देना चाहता है, जहां पे एकदम ऑब्वियस हो चुका होता है कि मार्केट एक ब्रेकआउट देगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इन सब बातों को धीरे धीरे नोट करते जाया कीजिए, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपको विथ टाइम ही आएंगे, अगर मैं ना बताऊं तो आपको एक्सपीरियंस सिखाएगा और एक्सपीरियंस सीखने में आपको 2-3 साल लग जाएंगे, तो अगर मैं बता रहा हूं तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉपी पेन, एक प्राइस एक्शन की नोटबुक बना लीजिए, उसमें सारे ये सारे कंसेप्ट को नोट करते जाइए, डेली देखते जाएंगे, रिवीजन होता जाएगा, तो मार्केट में जब ये मोमेंटम आएगा ना
तो आपको मालूम होगा कि मार्केट अगली बार क्या कर सकता है, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो जरूरी नहीं है कि ऊपर जाए, कंसोलिडेट कर सकता है। तो हम तैयार रहेंगे कंसोलिडेटेड मार्केट के लिए, ये नहीं कि पूरा पैसा लगा दिए हैं, 30% कैपिटल का झोंक दिए हैं कि जाओ भाई देखा जाएगा, आज तो मार्केट ब्रेकआउट हो गया, आज तो ऊपर निकल जाएगा, ऐसे ट्रेड नहीं लिया जाता है। आपको सतर्कता और सावधानी और एक्सपीरियंस के साथ ही ट्रेड लेना होता है। अगर सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू।